अच्छा जी, इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ आज हम पढ़ेंगे। तो इस्लामी हुकूमत की अहम ज़िम्मेदारियाँ मैं पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहले है इंसाफ की फराहमी। देखें जी, इस्लामी हुकूमत हर इंसान को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुँचाती है, यानी बेहतरीन जज इस्लामी हुकूमत में मुकर्रर किए जाते हैं। जज आज़ादी से शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करते हैं। इंसाफ हर सूरत में कायम होता है, फौरी इंसाफ मिलता है। हजरत उमर का तो इंसाफ जमाने के लिए मिसाल है। इस्लाम में हर शख्स के लिए एक कानून होता है, ऐसा नहीं होता है कि अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून होता है। इस्लाम जो है रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, वो असल मानों में इस्लाम ने अप्लाई किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक लड़की जो थी चोरी के केस में उस पर साबित हुआ, तो लोगों ने सिफारिश की कि भाई ये तो कुरैश की लड़की है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हुई कि कोई बड़ा जुर्म करता उसे छोड़ दिया जाता, छोटा जुर्म करता तो उसे सजा मिलती थी। यानी इस्लाम में सब बराबर हैं, किसी कोई इसमें। और ये भी हमें तारीख बताती है कि वक्त के खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी ने केस किया तो बाकायदा अदालत में पेश हुए और यहूदी से केस हार भी गए। तो इस्लामी जो शरी इंसाफ की फराहमी है ये मिसाली है। उसके बाद नफाज शरीयत, यानी इस्लामी हुकूमत का असल काम कुरान और सुन्नत को लागू करना, जिंदगी में भी, तजारत में भी, हर जगह। और ये होता है, यानी आपने तजारत में सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपने कोई फ्रॉड धोखा ये काम नहीं करना है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसमें फैसले होते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत से न मिले तो शरीयत के मुताबिक कानून साजी इसमें की जाती है, ठीक है। अगला है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का मतलब होता है नेक कामों में साथ देना, नेकी के कामों को आगे बढ़ाना और गलत कामों से रोकना, ये इसका ये मतलब है। तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि यानी आप में से एक ऐसा ग्रोह हो जो लोगों को नेकी की तरफ माइल करे और बुराइयों से रोके। तो इस्लामी हुकूमत भी यही कोशिश करती है कि सारे लोग नेक बन जाएं, नमाजी हों, परहेजगार हों, अल्लाह से डरने वाले हों, किसी के हुकूक गजब न करें, झूठ न बोलें और अमानत में खयानत न करें। फिर फलाही सरगर्मियाँ, इस्लामी रियासत आवाम की फलाह के लिए काम करती है। फलाह के लिए कैसे काम करती है, उनको सहूलियात देती है, सड़कें, कुएँ, सराय वगैरह बनाए जाते हैं, बेवाओं, बेसहारा और यतीमों का बहुत ख्याल रखा जाता है। इस्लामी हुकूमत ज़कात और खैरात और सदकात जमा करके मुस्तहकों तक पहुँचाती है। और इसी तरीके से इस्लाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर किसी का हमसाया भूखा सो गया तो उससे बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं है, यहाँ तक के हमसाए के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आता है दिफा। देखें जी, इस्लामी हुकूमत जो होती है, इस्लाम का मतलब ही अमन है, सलामती है। लेकिन जब कोई दूसरी हुकूमत किसी इस्लामी रियासत में मदालत करती है या हमला करती है तो इस्लाम ये कहता है कि जब जहाद का ऐलान हो जाए तो जिहाद हर शख्स पर फर्ज हो जाता है। कोई इंसान जब जिहाद का ऐलान हो घर में बैठे वो गुनाहगार बन जाता है। और इस्लामी रियासत के दिफा के लिए अपने तमाम जितने भी यानी वसाइल हैं वो उनको इस्तेमाल करती है, लोग भी साथ देते हैं, क्योंकि जिहाद जो है बहुत बड़ी इबादत होती है, ठीक है जी। आगे इंसानी हकूक की फरहमी, इस्लामी हुकूमत हर किसी को उसका हक देती है, हावत का हक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा में फरमाया तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है। इसी तरह गुलामों के साथ नरमी से पेश आओ। इसी तरीके से सूद को हराम करार दिया। और इंसानी हुकूक जो है इस्लामी रियासत में सबको मिलते हैं, जिसका जो हक है उसे मिलता है। कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल मशहूर था। गैर मुस्लिमों की हिफाजत, इस्लामी रियासत गैर मुस्लिम जो होते हैं उनको तहफ़ देती है, यानी उनकी इज्जत, मजहब, माल और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत पर होती है। जो इस्लामी रियासत होती है वो गैर मुस्लिमों को उनका हक देती है, यानी कोई
गैर मुस्लिम के साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता, ना उनके मजहब को बुरा भला कह सकता है। ये जी आज का दा टॉपिक हमारा, यानी इस्लामी हुकूमत के फराइज या जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो ये आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह अब